पार्टी सरकार में जो बैठी है और सरकार के बाहर ओपोजिशन में जो है, इस प्रजातंत्र में सरकार का काम है कि ओपोजिशन वाले जो कोई बात कहते हैं उसको सीरियसली लें, सुने और उसका हल निकालें। राहुल गांधी जी ने जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, एक तरह से उन्होंने एक मुहावरा बना के एक लोकोक्ति जैसे बोलते हैं, थोता चना बाजे घना, इस तरह की बात उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया बनाने चली थी ये सरकार, हम तो साथ सोच रहे थे कि बहुत देश का आगे प्रगति होगी, अच्छी सरकार बनेगी, लेकिन हुआ क्या? इस देश में अनेकों अनेक रोज अखबार उठाओ तो रेप के केसेस, चाहे वो उन्नाव का केस हो, पहले इनके एमएलए ने किया, फिर दूसरा केस हुआ उसे जला के मार दिया गया, फिर हैदराबाद का, इस तरह के केसेस में जब मैं भी भारत सरकार की मंत्री थी तो एक निर्भया जब केस हुआ था हमने उसको बहुत सीरियसली लिया। राहुल जी ने जो बोला उसको सरकार को ये सीरियस लेना चाहिए कि इस तरह के केस ना हो, बजाय उनकी बात को तूल देने के लिए बजाय ये होना चाहिए कि उस बात को सीरियसली लें और उसका हल निकालें। मैं आपकी बात इस को देश में ये सोनल मानसिंह जी आगे केसेस हो रहे हैं, इसका उपाय क्या है, उसको रोक कैसे सकते हैं? सोनल मानसिंह जी राज्यसभा की सांसद हैं, किस तरह की मैम आप बहुत वोकल हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर आप बोलती हैं, ये बताइए कांग्रेस से पूछ रही है क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने देश में, क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध बंद हो गए, क्या बलात्कार नहीं हो रहे रोज हमारे देश में, और क्या कहा राहुल गांधी ने? इन्होंने कहा बोला जब उन्नाव में हुआ था भगवान, यानी इतना ये शर्मनाक है बयान के जैसे कि ये भारत पूरा खुला है, हर पुरुष भारतवर्ष का रेपिस्ट है, हर महिला का रेप हो सकता है, रेप इन इंडिया, आइए ऐसा नहीं है कहा, ये सोच में फर्क है, आपकी सोच में और फर्क फिर है। और फिर आप मैडम मुझे बोलने देंगे, कृष्णा जी मुझे बोलने दीजिए, कृष्णा जी आपको मैं दोबारा मौका दूंगा, सुन ले एक बार सुन ले, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा मैम रुकिए, मैम रुकिए मुझे डिस्टर्ब ना करें, एक एक करके बोले सब लोग प्लीज बोलिए। सुनो जी मैं बोली, आप तो सुनाल मानसिंह की वहाँ एक लफ्ज नहीं बोला था, क्या बात करती है आज बड़ी। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, आपने मुझसे। अच्छा एक मिनट मैम, विप्लव जी मैम, मेरे ऊपर और बोल रहे हैं, अच्छा केवल अभी एक मिनट, केवल सोनल जी की आवाज जाए, मैम आप बोलिए, विप्लव जी की आवाज थोड़ी सी कम कीजिएगा, एक एक करके सब लोग बोले, कोई किसी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समय बहुत है हमारे पास, बोलिए सोनल जी। मैं ये कह रही थी, मैं बोल सकती हूँ ना? जी हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि भारत वर्ष के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया, पूरा भारत वर्ष जैसे कि खुला पड़ा है, पुरुष सारे रेपिस्ट हैं, महिलाएं सारे रेप हो सकती हैं, उसमें बहन बेटी भाई पिता सब शामिल हैं।